हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीतू पटेल टिप्स फॉर वुमेन। और फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे होंठ फटने की समस्या पर आप घी का कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, घी आपको शुद्ध घी लेना है और आप गाय या भैंस किसी भी का घी ले सकते हैं, घर पे बनाया हुआ घी भी आप प्रयोग कर सकते हैं और इससे आपके जो होंठ फटने की समस्या है वो दूर हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बताते हैं कि आपको ये प्रयोग कैसे करना है। थोड़ा सा आपको घी लेना है और 2-3 बूंद घी को लेकर आप अपनी नाभि पर इसे लगा लीजिए और इसको लगाने से आपकी जो होंठ फटने की समस्या दूर हो जाएगी। साथ ही अगर आपके होंठ बहुत ज़्यादा फट रहे हैं तो आप थोड़ा सा 2-3 बूंद घी आप उंगलियों पर लेकर और उसमें हल्का सा नमक आप मिला लीजिए। 2-3 दाने आप नमक के ले लीजिए, पिसा हुआ नमक, और मिक्स करके अपने होंठों पर लगा लीजिए। इससे आपके जो होंठ फटने की समस्या है उसमें आपको बहुत राहत मिलेगी। साथ ही आपके जो होंठ हैं वो बिल्कुल मुलायम और जो उसका कालापन है वो भी दूर हो जाएगा, होंठ मुलायम और खूबसूरत हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत पुराने समय से घी का प्रयोग होंठ फटने की समस्या को दूर करने के लिए किया जाता था और होंठों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए भी आप घी का प्रयोग कर सकते हैं। घी को पिघलाकर अगर आप किसी लिप बॉम, पुरानी लिप बॉम की डिब्बी पर रख लेते हैं और उसे लिप बॉम की तरह यूज़ करते हैं तो इससे भी आपको काफ़ी लाभ होगा। फ्लेवर के लिए आप इसमें कोई भी एसेंस डाल सकते हैं, कोई भी फ्लेवर का आप इसे बना सकते हैं। तो फ्रूट कलर डालकर आप इसे कलर चेंज कर सकते हैं और अपने लिप्स पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी और इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करने से बेटर है कि आप घी का प्रयोग अपने होंठों पे करें, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरली है, ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट होंगे, आपके होंठ जो हैं वो नेचुरली पिंक हो जाएंगे और होंठ फटने की समस्या है या होंठों पे कालापन है तो वो भी दूर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।